इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और उसका SI यूनिट लिखना है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने ईदर चार्जेस क्यों लिखा? क्योंकि एक डाइपोल में हमारे दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं, तो आप किसी का भी मैग्नीट्यूड ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हमारा सपोज प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस ले लिया 2L। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट P होगा वो हो जाएगा हमारा Q मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2L का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 2QL, ठीक है। जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या होती है इसकी डायरेक्शन? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम आते हैं इसके SI यूनिट पे। हम जैसे कि इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, ये क्या है हमारा चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास SI यूनिट कूलम, और ये क्या है L, L मतलब लेंथ, लेंथ का क्या होता है मीटर। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो हमारा होता है कूलम मीटर, तो उसका जो SI यूनिट होगा हमारे पास वो हो जाएगा कूलम मीटर। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।